तो महत्वाकांक्षा अच्छी बात होती है। नहीं भाई, महत्वाकांक्षा तो हर आदमी रखता है, पेट्रियार्की वाले महत्वाकांक्षा नहीं रखते क्या भाई? पुरुष की महत्वाकांक्षा है वो रूल करे, तो महिला ये महत्वाकांक्षा रख ले तो गलत है, नहीं है बस। और जब भी कोई दो आपस में चीजें होगी तो टकराएगी तो सही, उसमें क्या बड़ी बात है। चलो, पर उसके लिए आप ये पूरा पूरा यूं कैसे कह सकते हो कि भाई महिला को महत्वाकांक्षा रखनी नहीं थी, वो महत्वाकांक्षा नहीं रखती तो क्लेश होता ही नहीं, तो रखती तो ठीक ही, अच्छी बात है क्या? पर ये तो सब जगह हुआ, रजिया सुल्तान वो सुल्तान ही बन गई थी, उसके बावजूद ही उस टाइम के लोगों को यही बात पसंद नहीं थी कि रजिया सुल्तान मतलब यूं पुरुषों की तरह कैसे कपड़े पहन सकती है। वो यू हेटवेट लगा के आती बाद में, स्टाइलिश अंदाज में घुसा करती थी, उनको लगता कि नहीं महिला की जैसी छवि होती है वैसे की वैसी होनी चाहिए। तो वो तो आज भी देखिए, और आप हमेशा नोटिस कीजिए, आज भी जितनी महिला नेता होगी वो उतनी ज्यादा रूड होगी है ना। अक्सर जो एक बात की जाती है कि महिलाओं के आने से शासन के गुण आ जाएंगे, शासन में ममता के गुण आ जाएंगे, उल्टा है, महिला जितनी भी हुई है वो उतनी क्या हुई है? रूड। वो बोले इंदिरा गांधी देखें आप, ममता बनर्जी देखें आप, मायावती देखें, वसुंधरा जी देखें आप, जयललिता देखें, सब में इस प्रकार की चीजें। कारण है कि महिला को यदि शासन करना तो ऐसा होना पड़ेगा, वरना पुरुष करने नहीं देंगे, उसे अपना वो आवरण छिपाना पड़ता है जो उसका वास्तविक आवरण है, उसे वैसे आचरण करना पड़ता है ताकि बाकी लोगों के समझ में आए बातें, तो ये उनकी मजबूरी रहती है। हाँ, और किसी ने हाथ खड़ा किया? अब राष्ट्रपति बन गए द्रौपदी मुर्मू, हाँ, इससे अच्छा तो और कुछ ही नहीं हो भाई, है ना, कि देश के राष्ट्रपति के पद पर। अब ये लोकतंत्र की खूबसूरती है भाई, वो छोड़ो कि वो एक कितने एक सामान्य परिवार से, एकदम सामान्य परिवार से, उन्होंने तो उनके परिवार ने तो कभी नहीं सोचा होगा कि देश के सर्वोच्च पद पर वो एक महिला आसीन होगी, पर ये हमारा लोकतंत्र की खूबसूरती है, ये हमारी डेमोक्रेसी है कि हम 75 साल बाद में भी समाज के एकदम हाशिए पे बैठे हुए लोगों को भी समाज के सबसे उच्च पद पर, देश के सबसे उच्च पद पर पहुंचाने में आसीन हो गए। कहने को कोई भी आदमी ये भी कह सकता है कि राष्ट्रपति में तो क्या, उसके पास तो पावर भी नहीं होती, उसको बना दिया, पर फिर भी कई चीजों के सिंबॉलिक महत्व होते हैं, है ना। वो एक महिला अब दुनिया के सारे राष्ट्राध्यक्षों के साथ मुलाकात करेगी, भारत को रिप्रेजेंट करने वाली महिला वो है। तो हमने ये तो दिखाया भाई इतने सालों के अंदर लोकतंत्र के बाद कि भाई हम इस प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं कर रहे। अमेरिका नहीं बना पाया आज तक महिला राष्ट्रपति, हम बना गए दूसरी पहली नहीं भाई, प्रतिभा जी पहले बनी गए थे, द्रौपदी मुर्मू जी इस बार बने तो वो सेकंड है, तो दूसरी बन गए। आदिवासी महिला को बनाने में हम कामयाब हो गए, तो ये कल वाला दिन तो ये सुकून भरा दिन ही था कि भले ही कुछ चीजों के सिंबॉलिक महत्व, पर ये चीजें आगे जाके पे करती है। आप जिस समाज से आते हैं, जिस एटमोस्फियर से आते हैं, उन लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और दुनिया में सारा गेम कॉन्फिडेंस का है कि भाई कॉन्फिडेंस जब होता है तो लोग कोई अच्छा काम भी कर जाते हैं, और जब कॉन्फिडेंस ही लो रहता है तो उतना अच्छा काम नहीं कर पाते, तो लोगों का कॉन्फिडेंस ही बढ़े इस चीज से, यही बहुत अच्छी बात। चलो आगे लिखो क्या लिखा, हाँ है? कौन कहता है, है? कोई नहीं बुक वाले आपने, तू बुक नहीं पढ़ता रे, बुक तूने आज तक पढ़ी नहीं, कोई बुक पढ़ी है? कोई कौन सी बुक पढ़ी है? वो बुक नहीं है, गाइड है। क्या है? गाइडों वाले कुछ लिख देते हैं, ये कहता है इसलिए इसको बदनाम राजा कहा जाता, तो नहीं दिख रहा, बिना कहे भी नहीं लग रहा, कहना ही पड़ेगा, कई बातें बिना कहे भी हो जाती है वैसे तो। चलो लिखो, 1818 ईस्वी में